तो जिस महाशय को भारत रत्न से नरेंद्र मोदी नवाज रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड ये है कि जहाँ कहीं भी वो अपनी रथ यात्रा लेकर गए, 23 सितंबर से 5 नवंबर 1990 में, और जो जनरेशन जी जिसको कहते हैं, उन नौजवानों के लिए बता रहा हूँ कि उस वक्त लाल कृष्ण अडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले थे बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए। तो ये रथ यात्रा गई 23 सितंबर से 5 नवंबर 1990 तक। अहमदाबाद से शुरू हुआ, हरिद्वार, बिजनौर, पालनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, धनेरा, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कानपुर, भरूच, लखनऊ, इलाहाबाद, सूरत, जौनपुर, फैजाबाद, वडोदरा, बाशी, वाराणसी, वायरू, रांची, पटना, मुंबई, गोधरा, हैदराबाद, जयपुर, दाहोद, बिदर, कोलार, जोधपुर, बेंगलुरु, देवानगिरी, मेरठ, रामानगरम, चन्नापटना, गाजियाबाद। तो उसमें जहाँ कहीं भी ये इनकी रथ यात्रा गई, बेंगलुरु, कोलार, चन्नापटना में 30 लोगों की मौत हुई फसादात में, देवानगिरी में एक, रामानगरम में 2 नवंबर को 2 लोगों की मौत हुई, बिदर में 7 लोगों की मौत हुई अक्टूबर 5, हैदराबाद में उस वक्त बदतरीन फसाद हुआ हिंदू मुसलमानों का, 30 लोगों की मौत हुई। फिर भरूच में, गुजरात में एक शख्स की मौत हुई 2 नवंबर को। सोमनाथ में से शुरू किए थे ये, तो जहाँ जहाँ ये इनकी रथ यात्रा गई, मुजफ्फरनगर में 3 लोगों की मौत हुई, दिल्ली में झड़पें हुई, जयपुर में 47 लोगों की मौत हुई फसादात में अक्टूबर 27, 1990 में, अलीगढ़ में 3, बिजनौर में तो 58 लोगों की मौत हुई, मेरठ में 7 लोगों की 3 नवंबर को मौत हुई। तो जहाँ कहीं भी लाल कृष्ण अडवाणी की रथ यात्रा गई, वहाँ पर इन तमाम मुकामात पर हिंदू मुसलमान फसाद हुआ, इंसानियत की मौत हुई। और अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत उनको इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाज रहे हैं। इससे देश को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम देश में ऐसे लोगों को सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड देकर हम क्या पैगाम दे रहे हैं? हम ये पैगाम दे रहे हैं कि हम यकजहती कायम करेंगे हिंदू मुसलमानों में। आप बताइए, नरेंद्र मोदी की हुकूमत क्या पैगाम दे रही है? और इससे बढ़कर लाल कृष्ण अडवाणी जब पाकिस्तान गए थे, तो मोहम्मद अली जिना की खबर पर जाकर उन्होंने जिना की तारीफ में कलमात लिखे थे। और यही आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आए दिन भारत के गैयूर मुसलमानों को बोलते हैं, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। अरे कम से कम तुम अवार्ड देने से पहले ये तो देख लेते कि ठीक है, इतने लोग मरे तुम भूल गए, इतने लोगों की मौतें हुई, बच्चे यतीम हुए, हमारी बहनें चाहे हिंदू हो मुसलमान हो बेवा हो गई, कई घर उजड़ गए। जो शख्स पाकिस्तान जाकर मोहम्मद अली जिना, जो इस मुल्क की पार्टीशन का जिम्मेदार है, आप उसकी तारीफ में कलेमात लिखता है। नरेंद्र मोदी तो आडवाणी की किताब को आ, 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 कौन सी किताब लिखी गई थी जब जिना के ऊपर, जसवंत सिंह साहब लिखे थे, उस किताब को बैन लगा दिया था क्योंकि वो उसमें जिक्र था। आप ऐसे आदमी को अवार्ड दे रहे हैं जो जिना की तारीफ किया, तो इससे आपका ये सो कॉल्ड नेशनलिज्म दिखता है। हम जो अवार्ड दिया गया है, हम समझते हैं कि ये हमारे अवार्ड की तौहीन है। इससे पहले बहुत बड़े बड़े लोगों को ये अवार्ड दिया गया था, मगर जो शख्स रथ यात्रा के जरिए, जहाँ जहाँ रथ यात्रा गई वहाँ पर फसाद हुआ, जिस शख्स की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, ये अलग बात है कि कोर्ट ने किसी को खाती नहीं पाया, ये भी एक बड़ा मजाक है, और उसकी अपील नहीं की गई, तो हम इसको नामुनासिब समझते हैं, गलत समझते हैं। और हम समझते हैं कि भारत रत्न के रुतबे में कमी आ रही है इस तरह के नरेंद्र मोदी की हुकूमत फैसले जो कर रही है, इसलिए हम ये इस बात को खतई मानने नहीं मान सकते कि ऐसे शख्स को आप अवार्ड दे रहे हैं जो भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए और उनकी मौजूदगी में
बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, उन जो होम मिनिस्टर थे 2002 का रायट हुआ, तो हम इसको गलत फैसला मानते हैं। शुक्रिया।